Hi guys, welcome back to my channel Lifestyle Saga. My name is Manmeet and I'm here again with another interesting video, which is also the most awaited video of mine. So first of all, thank you so much to each one of you for giving so much love on my convocation video. मतलब लोग literally पूछ रहे हैं मुझसे कि how is this course, how is that course, hostel कैसा है, how's the food and everything. मतलब तो सारे questions हैं कि मतलब मेरा तो एक बार को मन ही कर गया कि यार I want to go to college again. So I would like to tell everyone that I have done journalism and mass communication, which is BJMC from Amity University, Noida. So first we talk about the advantages of this course. पहली एडवांटेज ये है कि आई लव्ड माई यू नो द क्राउड, द इन्वायरमेंट, मतलब सब इतना अच्छा था. एंड आई यूज टू लव गोइंग टू द कॉलेज. आई यूज टू लव इट. मतलब ऐसा होता है ना कि मन नहीं करा कॉलेज जाने का, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ. लाइक मुझे लगता है शायद मैं इकलौती होंगी, बट इट वॉज मी. आई मीन मतलब अगर मान लो अगर साल में 300 दिन कॉलेज जाना है तो मैं 295 डेज जाती थी कॉलेज. मुश्किल से 5 दिन होते थे जब मैं कॉलेज नहीं जाती थी. आई लव माई कॉलेज बिकॉज ऑफ द क्राउड, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. बट अगर कोई और बंदा ये वीडियो देख रहा है और अगर वो ये सोच रहा है कि ये एनवायरमेंट, ये क्राउड उसको हर कोर्स में मिलेगा, तो आई एम सॉरी गाइज, ये हर कोर्स में नहीं है. इनफैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक सुना है अपने बाकी फ्रेंड्स से जो अलग अलग कोर्सेज में हैं, उनकी तरफ से मैंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं सुना है. सब यही बोलते हैं कि क्राउड अच्छा नहीं है यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ये वो. तो BJMC आई थिंक इट्स जस्ट वन कोर्स जहाँ पे क्राउड आपको बहुत अच्छा मिलेगा. अगर क्राउड के हिसाब से देखना है तो डेफिनेटली गो टू Amity. सेकेंड एडवांटेज इज दैट आई लाइक द फैकल्टी. फैकल्टी इज नाइस. मतलब जैसे वो पढ़ाते हैं आपको, आपको जेन्युइनली समझ आएगा कि वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अगर आप ऑब्वियसली सुनना चाह रहे हो तो, क्योंकि BJMC में अच्छे ज़्यादा बच्चे भाई होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में. तो ऐसा है. तो अगर आप जेन्युइनली सुनना चाह रहे हो, जेन्युइनली पढ़ना चाह रहे हो, तो पढ़ाई बहुत अच्छी है Amity की, एंड आई मीन BJMC की. और यू विल डेफिनेटली लाइक द थियोरिटिकल नॉलेज. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ BJMC. फर्स्ट दैट मैं ये समझती हूँ कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इस कोर्स में हमारे कॉलेज में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली. इतनी ज़्यादा फीस है, उसके बाद भी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं मिली जितनी मैं एक्सपेक्ट करके गई थी फर्स्ट ईयर में. तो उतना मुझे एक्सपोजर नहीं मिला. प्रैक्टिकल नॉलेज में एफर्ट ना के बराबर ही थे उनके एफर्ट्स. तो अब मैं उन सब लोगों के क्वेश्चंस आंसर करूँगी. मैंने मेरी कॉन्वोकेशन वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछा था, एंड उतने अच्छे से मैंने शायद रिप्लाई नहीं किया. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिप्लाई एवरीवन. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ अबाउट फैशन डिजाइनिंग एट Amity यूनिवर्सिटी नोएडा एंड ऑल्सो प्लेसमेंट. ओके, सो प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको अपने कोर्स में भी नहीं बताया, विच इज़ दिस. प्लेसमेंट की उम्मीद Amity जैसे कॉलेज से रखना एक बहुत ही मजाक से भरी हुई बात है, मुझे ऐसा लगता है. मैंने अपने कॉलेज के दौरान 2 इंटर्नशिप्स और कॉलेज के बाद मैंने 2 जॉब्स करी हैं, और उनमें से कोई भी चीज़ मेरे कॉलेज ने मुझे लगवा के नहीं दी है. मैंने सब कुछ खुद करा है, फ्रॉम ऑल द एप्स, फ्रॉम सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मैंने सब कुछ खुद ही करा है. प्लेसमेंट सिर्फ उन लोगों की लगती है जो जिनकी CGPA आती है 9.5, 9, 9.8 एंड ऑल दैट स्टफ. तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो मैं ये कहूँगी कि शायद किसी भी कोर्स में इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के रिव्यू लिए हैं जो अलग अलग कोर्सेज में हैं. तो सबका यही कहना है कि प्लेसमेंट की उम्मीद तो मत ही रखना. देखा जाए तो कोर्स बहुत ही अच्छा है, फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाई बहुत अच्छी है. और जैसे कि मैंने, मेरी एक फ्रेंड है फैशन डिज़ाइनिंग में, तो उससे मैंने पूछा तो काफ़ी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ाते या कुछ भी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. अटेंडेंस है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा. तो हाँ, इट्स अ नाइस कोर्स. आप अगर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, अगर आपको काम करना है, तो इट्स अ रियली नाइस कोर्स. ओके, देन सेकेंड कमिंग टू हाउ अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स एट Amity.
ऑल्सो डू वी गेट प्लेसमेंट फ्रॉम एमिटी, तो प्लेसमेंट्स का जो मैं जवाब दे चुकी हूँ वही रहेगा। और कोर्स इंटीरियर डिजाइनिंग, येस इट्स ऑल्सो अ नाइस कोर्स, मैंने इसके बारे में भी पता किया है। पढ़ाई पूरे तरीके से होती है, फैशन और इंटीरियर ऐसे कोर्स है दोनों जिसके अंदर आपको बहुत काम होता है, आपको बड़ी बड़ी शीट्स लेके जानी होती हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टफ इज देयर, यू हैव टू गेट योर लैपटॉप, यू हैव टू गेट सो मेनी स्टफ फ्रॉम होम, तो वो सब है। और पढ़ाई तो पूरी है तो बिल्कुल उसके हिसाब से तो कोई कमी ही नहीं है कॉलेज में। दिस वन क्वेश्चन जो कि बहुत बारी रिपीट हुआ है, जो मैं एक का पढ़ रही हूँ, शी हैज रिटन प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट BBA LLB एट एमिटी नोएडा, लाइक द कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल, बिकॉज आई गॉट इन एंड वांट टू नो अबाउट इट, ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट द AC हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स। ओके, सो पहले हम कोर्स की बात करेंगे विच इज LLB। तो कोर्स अच्छा है, पढ़ाई बहुत है, बहुत, जो कि आई थिंक LLB के हर कॉलेज में होगी आई एम श्योर। तो MT में भी ऐसा ही है, पढ़ाई बहुत है। एंड देन कमिंग टू अवर क्वेश्चन अबाउट द AC हॉस्टल फॉर गर्ल्स, तो आई स्टार्ट विद एडवांटेजेस फर्स्ट। एडवांटेज ये रहेगी कि MT में फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाते हैं, लाइक दे हैव अ थिंग, वो सारे फेस्टिवल्स, ओनम, होली, दिवाली, क्रिसमस, सारे फेस्टिवल्स इतने अच्छे से मनते हैं, मतलब कि यू लव इट। जितने भी फेस्टिवल्स ये लोग सेलिब्रेट करते थे वो सारे रात तक चलते थे, लाइक 9-10 बजे तक। तो ऑब्वियसली इट वॉज अ एडवांटेज फॉर ऑल द हॉस्टलर्स, क्योंकि हॉस्टल वालों का क्या था, उन्होंने तो अपने रूम में जाना था ना सिर्फ, तो वो इन्जॉय करते थे बहुत अच्छे से। तो खाना अच्छा है मेस का, मैंने ये भी सुना है कि जो नीचे मेस है उसका, मैंने खाया भी है इनफैक्ट, या सॉरी मैंने खाया भी है उसका खाना, एंड खाना इज गुड, लाइक इट्स गुड। एंड नॉट टू फॉरगेट वी हैव सबवे, वी हैव डोमिनोज, कैफे कॉफी डे, और कैफे कॉफी डे तो दो है, तो अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस आर देयर। एंड कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डिसएडवांटेज पहली तो ये है कि पानी अच्छा नहीं है। एक एक्सपीरियंस तो ये था कि एक दिन येल्लो कलर का पानी आ गया, और पता नहीं, मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस था उसका पानी के मामले में। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है कॉलेज से, तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, आपको एक पास बनवाना पड़ेगा, उस पर फिर 10 लोग साइन करेंगे, फिर आपके घर पे फ़ोन जाएगा, घर वालों से परमिशन लेंगे आपके पेरेंट्स से कि हाँ ही और शी वॉन्ट्स टू गो आउट, तो क्या हम भेज दें, तो बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है। तो या एंड वन मोर थिंग, अगर आप स्मोक करते हैं तो आप स्मोक नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्टल में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, तो यू कांट स्मोक इन दी हॉस्टल। और क्योंकि MT में काफ़ी सारे लोग वही हैं जो स्मोक करते हैं, तो इसलिए मैं ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ अपनी वीडियो में। तो आप स्मोक नहीं कर सकते हॉस्टल में, अगर आपको स्मोक करना है तो आपको कॉलेज के बाहर जाना होगा। तो यार गाइस, दिस वॉज इट, आई होप यू लाइक दिस ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ माइन ऑन MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। जैसा भी है, मेरा अपना कॉलेज है, आई लव दिस कॉलेज। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जाके मुझे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। जब मैं स्कूल में थी, ट्रस्ट मी गाइज, मेरे अंदर 10% भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जो 3 साल बाद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, आईड लव टू आंसर देम, आईड लव टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।